एक सिंपल वेबसाइट का लेआउट बनाएंगे और वो लेआउट कुछ इस तरह से होगा। देखें यहाँ पर हमने बिल्कुल सिंपली हम यहाँ पर टिप्स ही यूज़ करेंगे और सबसे ऊपर सबसे नीचे हर टिप का जो कलर होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास वेबसाइट का लेआउट है। वैसे तो बहुत सारे लेआउट्स होते हैं लेकिन ये मैंने एक सिंपल सा लेआउट बनाया है जिसके ज़रिए हम कुछ भी यहाँ पर डेटा एड्स कर सकते हैं। और कैसे बनाया है, सिर्फ सिंपली हमने मर्जिन का ही यूज़ किया है और किसी टिक्स का ज़्यादा यूज़ नहीं किया। फॉन्ट किया, फॉन्ट मतलब टिक्स का फिर कितने टिक्स होने चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एचटीएमएल को देख लें, ठीक है। तो एचटीएमएल ऊपर से स्टार्ट है और यहाँ पर मैंने दे दिया है बॉडी में मेन क्लास में एक मेन दिया, ठीक है। मेन देने के बाद मैंने यहाँ से दे दिया क्लास वन, वन में मैंने सिंपल लेआउट दे दिया है जो ऊपर वाला ये सेशन है, ठीक है। उसके बाद मैंने डिव वन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, तकरीबन 10 स्टेप में यहाँ पर बनाई है, ठीक है। तो 10 स्टेप का जो काम होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा क्योंकि हर टिप का एक अलग काम होता है। हर किसी का अपना एक हिसाब होता है, अपना एक मिजाज होता है। और हम हर टिप वो ज़्यादातर जो आपकी वेबसाइट्स बनती है ना, वो सारी की सारी आपकी वेबसाइट्स बनती हैं टिप्स के अंदर। 95% हम अपनी जो वेबसाइट्स बनाते हैं वो टिप के अंदर बनाते हैं। कुछ सेशंस हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जस्ट 10 बॉक्स बनेंगे और बॉक्स एक मेन बॉक्स बनेगा। मेन बॉक्स के अंदर हम 9 और छोटे छोटे बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में हम बहुत सारे डिफरेंट कलर वगैरह देंगे। अब हम उसके सीएसएस की तरफ आते हैं। तो सीएसएस बहुत ही छोटी है, तो देखते हैं। सबसे पहले मेन तो हमारी जो मेन जो एक्टिव है उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 100 पिक्सल होनी चाहिए। बैकग्राउंड उसका ग्रे होना चाहिए, बॉर्डर उसका 2 पिक्सल सॉलिड एकदम उसका हमने उसका दे दिया है डार्क रेड, ठीक है। और हमने उसको मार्जिन दे दिया ऑटो मार्जिन का मतलब ये होता है जो टेक्स्ट अभी यहाँ पर नजर आ रहा है यहाँ पर ये वाला मेन टिप है ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल मेन पे आ रहा है। इसका कलर भी देखें आप, तो उसको बैकग्राउंड कलर और उसका जो बॉर्डर है उसका कलर भी देख लें आप, ठीक है। तो वन वन में हमने इसके जो एक वन है जो ये, ठीक है, इसके हमने 90 पिक्सल 90% हमने यहाँ पर इसको दे दिया है क्या वेट दे दी थी। उसमें हमने कलर दे टेक्स्ट कलर देंगे उसका कलर है उसका, फिर हमने उसको बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर देने के बाद हम उसको मार्जिन ऑटो आप ऑटोमाइज मतलब ये हुआ कि हमने जो ये पहले वाली टिप बनी हुई है उस टिप के अंदर जो हमने जो दूसरी टिप रखी है वो बिल्कुल उसके सेंटर पे आ जाए। और फिर हमें यहाँ पर यूज़ करना है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज भी हमने नीचे कुछ लिखा है जो भी हमने सिंपल वेलकम इन माई सिंपल लेआउट लेआउट पेज, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और कलर इसका वाइट, फिर इसको टेक्स्ट हमें सेंटर पर दे दिया है। टेक्स्ट सेंटर देने का मतलब यह है कि जो ये टिप आपकी है इस टिप के अंदर जो आपने कुछ भी लिखा है उसका जो टेक्स होना वो सेंटर पर होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने 2 यूज़ किया है, 2 में 20 पिक्सल ये विड्थ है उसकी, ठीक है। उसके बाद में हमने इसकी हाइट दे दी, हाइट में 200 पिक्सल दे दिया। फिर बैकग्राउंड येलो और फिर 2000 पिक्सल फॉन्ट साइज, हमें यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है इसके लिए नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये रही है दूसरी टिप, ठीक है। और फिर तीसरी टिप में हम आएंगे तो हम यहाँ पर विड्थ, ये रही उसकी विड्थ, हाइट और फिर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए, वाइट है, ठीक है। और 200 पिक्सल ये उसका जो 2 पिक्सल है उसका ग्रे ग्रे ग्रीन जो हमने इसका बॉर्डर रख लिया है, ठीक है। और फॉन्ट साइज में लिखा ही नहीं है कुछ उसके लिए आ नहीं रहा, ठीक है। कलर का वाइट या टेक्स्ट लाइन अगर कुछ लिखे तो उसको सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। और मार्जिन हम यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब इसका तो ज़्यादातर यूज़ नहीं आता तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो जो हमारे पास जो काम की चीज़ होती है जिसके ज़रिए हम अपने टेप्स को मंडा मूव करवाते हैं, तो मार्जिन के ज़रिए मूव कराते हैं। पहले हम लेक्चर में हमने मार्जिन का बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, अगर आपने वो अटेंड नहीं किया तो सबसे पहले वो अटेंड करें, देना आपको ये समझ में आएगा। मार्जिन हमने यहाँ पर ये दे दिए 200 पिक्सल, ठीक है। 200 पिक्सल यानी इस साइड से ये आगे आ जाए इस तरफ, ठीक है। और फिर हमने टॉप मार्जिन यहाँ से ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये एक हमारी 3D है, 3D का ये एक ये रहे इसके स्टाइल्स जो भी हमने यहाँ पर स्टाइल दिए थे वो यहाँ पर आउटपुट में नज़र आ रहे हैं। और फोर्थ टिप भी वैसे ही यहाँ पर बनी हुई है। अगर हम इसको डिटेल में बेस कर इसका प्रैक्टिकल करता तो प्रैक्टिकल करने के बाद ये होता है कि मेरा जो लेक्चर है वो कम से कम आधा घंटा चला जाता, लेकिन इसको मैंने बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके बाद में आप लोगों को डिलीवर कर दिया है और बहुत ही ईजीली मेंटेन किया है। इसी तरह से हमने 4D बनाई। 4D में भी सिंपली वही चीज़ आ रही है कि फॉन्ट साइज आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये हमारे काम की नहीं क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है, अगर कुछ लिखते तो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, जो हमारी मार्जिनस होगी वो मार्जिनस का हमारा जो नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, कहीं पर 100 होगा, कहीं 200 होगा, फिर 5 में भी यही सेम चीज़ रिपीट हो रही है। और नीचे भी सब कुछ ऐसे आ रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा ओवरऑल जो भी कुछ आपको क्वेश्चन होगा।